हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं S10 लाइट। दरअसल ये फ़ोन में प्रॉब्लम ऐसा है, ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। कस्टमर का कहना था ये फ़ोन गर्म आया और उसके बाद हीटअप हुआ, मैं जब गेम खेल रहा था और बंद पड़ गया। तो हमने इसे चेक किया तो इसका प्रोसेसर सही में ड्राई हो चुका है और हमारी ज़्यादातर अधिकतर वीडियो जो रहती है वो प्रोसेसर बनाने की रहती है। तो हमने सबसे पहले इसका शेड निकाल लिया है, उसके बाद हमने UFS चिप पे टेप लगा दिया है, फिर उसके बाद हम रोम आईसी उतारेंगे। अभी देख लीजिए, ये रोम आईसी हमारी कट चुकी है और ये उतर भी चुकी है। तो सबसे पहले हमें इसकी रोम आईसी के ऊपर की जगह जो है वो क्लीन कर लेनी है। क्लीन करने से होगा ये कि बाद में हमें तकलीफ़ नहीं जाएंगी। अब हम CPU उतारेंगे इसका। ये CPU हमारा उतर चुका है, अब इसके बाद हम पूरी जगह क्लीन कर लेंगे, नीट एंड क्लीन। ये CPU की जगह हमारी क्लीन हो चुकी है प्रॉपर। तो अब ये बारी आ जाती है प्रोसेसर क्लीन करने की। तो अभी हम प्रोसेसर क्लीन कर रहे हैं, तो देख लीजिए प्रोसेसर हमारा क्लीन हो चुका है। अब हम इसे फटाफट रिवॉल्व कर लेते हैं। अगर आपकी IC एक बार में नहीं बनी तो आप एक बार कट करके फिर से एक बार रिवॉल्व करें, और ये सब हम एक बार पेस्ट लगा के इसे हिट मार देंगे। जो भी एरिया में ऐसा लग रहा है हमें शॉर्टिंग आने वाली है वो शॉर्टिंग हट जाएंगी। तो अब हम इसकी जो रोम IC इसको कहिए कि इसे अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर लेंगे। पूरा ग्लू साफ हो गया है हमारा, अब हम इसे रिवॉल्व कर लेंगे। तो रिवॉल्व भी हमें इसमें भी ऐसा है, कभी एक बार में नहीं हुई तो एक से दो बार हमें इसे रिवॉल्व कर लेना है, क्योंकि बॉल जो हमें प्रॉपर चाहिए इक्वल एक साइज़ में। तो उससे होगा ये कि हमारी IC एक ही बार में परफेक्ट बैठेंगी और एक ही बार में हमारा फ़ोन ऑन होगा। तो प्रोसेसर हम बैठा देते हैं। प्रोसेसर का नॉइज़ जहाँ रखना है हमें वहीं रख लिया है। अभी हम प्रोसेसर बैठा चुके हैं, देख लीजिए नीचे से पेस्ट आना चालू हो चुका है। इसका मतलब ये हमारा प्रोसेसर बैठ चुका है। तो अभी हम रोम IC को भी बैठाना चालू कर देते हैं। जहाँ CPU का डॉट रहेगा वहीं रोम IC का रहेगा। तो देख लीजिए रोम IC भी बस बैठने वाली है, उससे भी पेस्ट बाहर आ चुका है। तो ये रोम IC बैठ चुके, आ जाती है फाइनल फ़ोन टेस्टिंग की बारी। तो देख लीजिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अगर आपको कोई फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। चलिए अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।